मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के पूर्व विदर्भ विभागीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंगलवार को मेहाड़िया चौक परिसर में उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिंदे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनसंपर्क और विकास कार्यों पर ध्यान दें। राजनीतिक आलोचनाओं और आरोपों से बचने का आह्वान भी उन्होंने किया है। मैं आपल्याला सगळ्यांना शुभेच्छा द्यायला आलोय। पूर्व विदर्भामध्ये या नागपूरमध्ये बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचं संपर्क कार्यालय सुरू झालंय। मी किरण पांडव याचं मनापासून अभिनंदन करतो। त्याला शुभेच्छाही देतो। देखिए, गए चार दिन से हम कोशिश कर रहे थे। हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है और बालासाहेबांची शिवसेना, ये पक्ष के जो मुख्य नेते, उनको हमने विनंती की थी कि पूर्व विदर्भ का कार्यालय का यहाँ पे अपने को उद्घाटन करना है। हम तीन दिन से तैयारी कर रहे थे। साहब ने आज सुबह का हमको वक्त देके हमको बताया गया कि आज शाम को 6:30 बजे आज वो अपने यहाँ आने वाले हैं। उसी के सिलसिले में आज हमने यहाँ पे पूरा तैयारी की है उनके स्वागत की, और आज हमारा जो कार्यालय है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। आज कम से कम 150 लोगों का पक्ष प्रवेश है। विधिमंडल का अधिवेशन चालू है। साहब उसमें थोड़ा व्यस्त है, लेकिन साहब ने वहाँ से हमें एक मैसेज दिया कि आप उनका पक्ष प्रवेश जो है वो शुरू कर दीजिए, मैं कार्यालय का उद्घाटन करने जरूर आऊँगा। उसमें ऐसा है कि मैंने शिवसेना शिंदे गट हमारे इसमें आने वाले लोग जो है वो भाजप, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सभी पक्ष के जो है वो भी हमारे इसमें सरपंच लोगों का प्रवेश है, सब लोगों का प्रवेश है। कार्यक्रम की प्रस्तावना किरण पांडोर ने रखी। संचालन ओमकार पारवी, मंगेश काशीकर व सूरज गोजे ने किया। शिवसेना उद्धव ठाकरे प्रणीत, युवा सेना के जिला प्रमुख हितेश यादव, उपप्रमुख धीरज फंदी सहित कई कार्यकर्ताओं ने शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश लिया। शिवसेना के गणेश डोईफोड़े, संजय संशोधन सहित कई कार्यकर्ता भी शिंदे गुट में शामिल हुए। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।